विजन बंगाल पर गरजे पीएम मोदी, ममता पर निशाना साधते हुए बोले बंगाल को बनाएंगे तोला मुक्त और रोजगार युक्त। बंगाल की हुगली में ममता के नारे के जरिए ही पीएम ने घेरा, कहा मामा टी मानुष कहने वालों ने किया विकास। मानुष माँ माटी, मानुष की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बन करके खड़े हो गए हैं। हुगली की रैली में उमड़ी भारी भीड़, पीएम बोले बंगाल में तुष्टिकरण की हुई राजनीति, बीजेपी बनाएगी सोनार बांग्ला। ममता सरकार पर केंद्र के पैसे दबाने का पीएम ने लगाया आरोप, बोले केंद्र से पानी के लिए दिए 1700 करोड़ में से 1100 करोड़ दबा गई ममता सरकार। बंगाल में पीएम मोदी ने रेल और मेट्रो कनेक्टिविटी की कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, कहा यह काम दशकों पहले होना चाहिए था। पश्चिम बंगाल से पहले असम का पीएम ने किया दौरा, कांग्रेस पर किया वार, कहा पिछली सरकार ने असम को दिल्ली से दूर माना, अब दिल्ली आपके दरवाजे पर है खड़ी। शिक्षा के संस्थान हो, उद्योग हो, पहले की सरकारों की प्राथमिकता में नजर ही नहीं आ रहे थे। असम को 3000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का मिला उपहार, पीएम ने धेमाजी से कई परियोजनाओं की शुरुआत की। पीएम मोदी ने नई शिक्षा नीति की जमकर तारीफ की, कहा स्थानीय भाषा में पढ़ाई से गरीबों को फायदा मिलेगा। विकास के मुद्दे पर टीएमसी का पीएम पर पलटवार, पार्थ चटर्जी ने कहा 2010 में ही ममता ने किया था दमदम दक्षिणेश्वर मेट्रो का शिलान्यास। पीएम की रैली के दो दिन बाद हुगली के ही डनलप ग्राउंड में ममता की रैली, टीएमसी को ममता की रैली में भारी भीड़ की उम्मीद। कोयला तस्करी मामले में अभिषेक बनर्जी की पत्नी से कल पूछताछ, विदेश के खाते में ट्रांजैक्शन को लेकर हो सकता है सवाल जवाब। अभिषेक बनर्जी की साली मेनका गंभीर से आज सीबीआई की पूछताछ, 3 घंटे तक सवाल जवाब हुए। सीबीआई की जांच पर बोले गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी, ईडी और सीबीआई हमारे अधीन नहीं, ममता के आरोप निराधार। 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव भी कैप्टन अमरिंदर के नेतृत्व में लड़ेगी कांग्रेस, निगम चुनाव में भारी जीत से गदगद होकर प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने दिया बयान। बिजनौर और सहारनपुर के बाद कल प्रियंका वाड्रा की मथुरा में किसान महापंचायत, बांके बिहारी मंदिर में दर्शन का भी कार्यक्रम। कृषि कानून पर वायनाड में बोले राहुल गांधी, दिल्ली में बैठी सरकार नहीं समझ पा रही किसानों का दर्द। मुजफ्फरनगर में बीजेपी कार्यकर्ता और किसान आपस में भिड़े, कई घायल, दोनों तरफ से हुई नारेबाजी। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों पर बोले रॉबर्ट वाड्रा, पीएम मोदी एसी कमरे से निकले, लोगों की दिक्कतों को देखें, विरोध में वाड्रा ने साइकिलिंग की। बिहार में एलजेपी एमएलसी नूतन सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दिया, बीजेपी में शामिल हुए। पुडुचेरी विधानसभा में फ्लोर टेस्ट में नारायण सामी फेल, उपराज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। पुडुचेरी में कांग्रेस के इंचार्ज ने बीजेपी पर किया वार, कहा बीजेपी ने करोड़ों खर्च करके सरकार तो गिरा दी पर जनता देगी जवाब। गुजरात में बीजेपी ने राज्यसभा की दोनों सीटें जीती, दिनेश भाई अननवाड़िया और राम भाई मोकारिया को मिली जीत। एमपी विधानसभा के स्पीकर चुने गए गिरीश गौतम, रीवा के देवतालाब से हैं बीजेपी विधायक। योगी सरकार ने यूपी में अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया, 5,50,270 करोड़ रुपए का बजट पेश। यूपी में किसानों के विकास के लिए योगी सरकार ने खोला खजाना, किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए बजट में 700 करोड़ रुपए का प्रावधान। अयोध्या के विकास के लिए 140 करोड़ का बजट, कानपुर में मेट्रो समेत मेरठ में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव। बजट से सीएम योगी गदगद, कहा यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की तरफ बड़ा कदम। पेपरलेस बजट पर अखिलेश यादव ने कसा तंज, कहा बीजेपी का यह विदाई बजट सबको रुला गया। बिहार की नीतीश सरकार ने करीब 2,18,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने 7 निश्चय पार्ट 2 का ऐलान किया। 5 साल में 20 लाख से ज्यादा रोजगार के मौके सृजित करने का बिहार सरकार ने प्लान बनाया, उद्योग विभाग को 1 साल के लिए दिया 200 करोड़।
बारहवीं पास अविवाहिता छात्रा को 25,000 की आर्थिक मदद करेगी नीतीश सरकार। ग्रेजुएट पास महिला को 50,000 रुपए की सहायता राशि देने का प्रस्ताव। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के बजट पेश करने के दौरान नौकरी को विपक्ष ने बनाया मुद्दा, हालांकि थोड़ी देर बाद विपक्ष हुआ शांत। पटना में ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे तेजस्वी यादव, तेल की महंगाई पर विरोध जताया। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते संकट के बाद लॉकडाउन का फिर मंडराया खतरा, नागपुर में स्कूल बंद। कोरोना की चपेट में आए महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। कोरोना के बढ़ते मामले के बाद एक बार फिर जोधपुर में धारा 144 लागू, शादी समारोह में 100 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते शामिल। कोरोना टीकाकरण को लेकर गृहमंत्री ने की समीक्षा, स्वास्थ्य मंत्रालय और दूसरे विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कोरोना समीक्षा बैठक के बाद सीएम शिवराज ने अफसरों को दिए सख्त निर्देश, कहा इंदौर और भोपाल में मास्क लगवाने का प्लान करवाया जाए। टूलकिट केस में दिशा रवि को एक दिन की पुलिस कस्टडी, पटियाला हाउस कोर्ट ने कस्टडी में भेजा। दिशा के साथ आरोपी शांतनु और निकिता को बैठाकर होगी पूछताछ, दिल्ली पुलिस ने बनाया प्लान। लाल किला हिंसा का एक और आरोपी गिरफ्तार, आरोपी जसप्रीत सिंह को पुलिस ने पकड़ा। लाल किले पर दोनों हाथ से तलवार लहरा रहा था जसप्रीत, किले के गुंबद पर भी चढ़ा था। एल्गर परिषद माओवादी संबंध मामले में वरवरा राव को अंतरिम जमानत, बॉम्बे हाई कोर्ट से मेडिकल ग्राउंड पर 6 महीने की राहत। कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत, विदेश जाने की इजाजत मिली। रक्षा मंत्रालय के कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, सैनिक क्षेत्र में निजी भागीदारी भी ला रहे। पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ हवलदार हेमराज मीणा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा शहीद के पैतृक गांव में विकसित किया जाए शहीद पार्क। शहीद की सादत हमेशा हमें प्रेरणा देती है। भिलाई में बीजेपी की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे की भाभी की दबंग गई, संघ नेता के घर घुसकर की तोड़फोड़, बीजेपी के एक धड़े ने सरोज पांडे के खिलाफ नारेबाजी की। बिहार के सासाराम में महंगे पेट्रोल डीजल का विरोध, आरजेडी की युवा इकाई के कार्यकर्ता सड़क पर। औरंगाबाद में आरजेडी कार्यकर्ता उतरे सड़क पर, पेट्रोल डीजल रसोई गैस महंगा किए जाने का विरोध किया। बिहार के महाराजगंज में 60% कम हो गई पेट्रोल की बिक्री, नेपाल से हो रही तस्करी। जमशेदपुर में गुरुद्वारे के पास लगा पेट्रोल मेला, ऑल इंडिया सिख फेडरेशन का आयोजन। मुजफ्फरनगर में पेट्रोल डीजल और गैस के बढ़ते दाम को लेकर प्रदर्शन, लोगों ने गुस्से का इजहार किया। बिहार के गया में सरेआम बदसलूकी, छात्रा का दुपट्टा खींचा, दोस्त को पीटा, पुलिस ने केस दर्ज किया। गुरुग्राम में युवक की गोली मारकर हत्या, सड़क पर मिले 2 दर्जन गोलियों के खोखे। शाहजहांपुर में ठगी के गिरोह का भंडाफोड़, 1,000 से ज्यादा बैंक ग्राहकों को चूना लगाने का आरोप है। इंदौर में बच्चा चोर गैंग का पर्दाफाश, एसटीएफ ने 7 आरोपियों को पकड़ा। श्योपुर में पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने की तोड़फोड़, 10 से ज्यादा लोगों ने लाठियों और लोहे की रॉड से बोला हमला। यूपी के कौशाम्बी में नशेड़ी पति की हैवानियत की शिकार हुई पत्नी, मुंह में कपड़ा ठूस कर जबरन बनाया शारीरिक संबंध। नोएडा में 4 शातिर बदमाश गिरफ्तार, महंगे शौक के लिए एटीएम से पैसे निकाल रहे बुजुर्गों को बनाते थे निशाना। फरीदाबाद में डबल हत्याकांड के मामले में 4 गिरफ्तार, जिम ट्रेनर और स्कूल टीचर की हत्या का आरोप। बागपत में 2 दुकानदारों में खूनी संघर्ष, पुलिस ने मारपीट में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। वाराणसी में एसटीएफ ने पकड़ा नशे का सौदागर, बिहार बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों में भेजने से पहले ही 1 करोड़ का कफ सिरप बरामद। अलीगढ़ में जहरीला पदार्थ खाने के बाद युवती की एसएसपी दफ्तर में बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूपी के सहारनपुर में बुजुर्ग की हत्या, अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। हरदोई में 1.5 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में फैसला, कोर्ट ने मृत्युदंड और 1,00,000 रुपए की सजा सुनाई। हिसार में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या के मामले में 12 लोगों को सुनाई गई उम्र कैद, अदालत ने जुर्माना भी लगाया।
अलवर में 3 लोगों की जमकर पिटाई, रिक्शा चोरी के आरोप में लोगों ने पीटा। कटिहार में ऑटो और ट्रक में भीषण टक्कर, 5 लोगों की मौत, शादी समारोह से लौटते समय हादसा। हुगली में एक डिलीवरी बॉय पर 12 से ज्यादा महिलाओं से रेप का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। हाजीपुर में जले 12 से ज्यादा मकान और खलिहान, लाखों का नुकसान। अमरोहा में गन्ने के खेत में हाथ पैर बंधी महिला मिली, पति और भांजा भी साथ, महिला ने लगाया गैंगरेप का आरोप। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, गोली लगने से एक बदमाश घायल, साथी फरार। हरियाणा में 24 फरवरी से खुलेंगे कक्षा 3 से 5 तक के स्कूल, सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक चलेंगी कक्षाएं। रांची में शिक्षकों ने पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर का पकड़ा पैर, नियुक्ति के लिए की विनती। गया में फाल्गु नदी पर बनेगा बिहार का पहला रबर डैम, डीएम अभिषेक सिंह ने कहा श्रद्धालुओं को नदी में पानी होने से साल भर फायदा मिलेगा। हजारीबाग की सीतागढ़ी पहाड़ी के नीचे खुदाई में मिली बुद्ध की कई खंडित मूर्तियां, 1200 साल पुरानी बताई जा रही हैं। इसरो प्रमुख के शिवन का बड़ा बयान, चंद्रयान 3 मिशन 2022 में हो सकता है लॉन्च। सस्ते कच्चे तेल के आयात के लिए रणनीति में बदलाव कर सकता है भारत, प्रतिबंधों के बावजूद ईरान और वेनेजुएला से हो सकता है आयात। सोने की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी, रिकॉर्ड हाई से 11,000 और इस साल अब तक 4,000 रुपए सस्ता हो चुका है सोना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट से ग्रोथ बढ़ने का फिर किया दावा, कहा देश की ग्रोथ में प्राइवेट सेक्टर की अहम भागीदारी, कोरोना वैक्सीन को बताया सफल मिसाल। निजीकरण की रफ्तार को बढ़ाने के लिए अब बीमा कंपनियों में हिस्सेदारी बेचेगी सरकार, ओरिएंटल इंश्योरेंस या यूनाइटेड इंडिया के प्राइवेटाइजेशन पर हो सकता है विचार। अस्पताल का पूरा बिल चुकाने के आईआरडीए के आदेश से बीमा कंपनियों पर पड़ेगा अतिरिक्त बोझ, नई पॉलिसी के रिन्यूअल को किया जा सकता है महंगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।